तो आज हम लोग देखेंगे कारक। क्या देखेंगे? कारक कारक। इससे पीछे वाले क्लास में हम लोग क्या सब देख चुके? इससे पीछे वाले क्लास में लोग संज्ञा और सर्वनाम को देख चुके। तो चलिए भाई, हम लोग शुरू करते हैं आज। क्या कारक? तो कारक क्या है? तो कारक जानने से पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं संज्ञा। क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं संज्ञा, है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं संज्ञा और हम लोग पढ़ चुके हैं सर्वनाम। देखो, कारक पढ़ने के लिए इन दोनों का पढ़ना भी जरूरी है। इन दोनों को पढ़े बिना कारक समझना भी संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग कारक पढ़ने से पहले संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ते हैं। ठीक है भाई? तो कारक पढ़ने के लिए क्या जरूरी है? संज्ञा और सर्वनाम का पढ़ना जरूरी है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा हम लोग जानेंगे क्रिया। क्रिया क्या है? जितना भी एक्शन वर्ड है हिंदी में, जितना भी वर्ड के लास्ट में ना लगा रहता है, जैसा पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना। ठीक है, ये क्या है? ये सारा क्या है? एक्शन वर्ड है। ठीक है भाई, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रिया बोल रहे हैं। समझ गए? तो इस तीन चीज को समझना जरूरी है। किसको किसको? संज्ञा को, सर्वनाम को और क्रिया को। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्या? एक्शन वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संज्ञा देख ही चुके हैं, सर्वनाम देख ही चुके हैं, क्रिया समझ में आ गया सभी लोगों को। अब देखना है कि संज्ञा या सर्वनाम, इन दोनों में क्या समझ। संज्ञा हो गया मूल जो हो गया, और संज्ञा सर्वनाम जो संज्ञा को रिप्लेस करता है। तो संज्ञा हो अथवा सर्वनाम हो, इन दोनों का किसके साथ रिलेशन होता है? क्रिया के साथ। क्रिया मतलब जो भी एक्शन हो रहा है, खेलना, कूदना, हंसना, गाना, उठना, बैठना, जागना, टहलना, जो भी हो रहा है। तो ये एक्शन वर्ड हो गया। तो संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जो बता रहा है, जो संबंध स्थापित कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। किसी को समझने में दिक्कत है भाई? ठीक है, अगर लिखा हुआ है कि मान लो एक व्यक्ति है, उसका नाम है मोहन, और लिखा है मोहन कलम से लिखता है ना, समझना जरा सा, तो याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? मोहन कलम क्या है? ये भी संज्ञा है ना। लिखना क्या है? क्रिया है। और ये क्या है? कलम का इससे, मोहन का लिखने से संबंध बता रहा है कौन? कारक। तो ये क्या हो गया? कलम से लिखता है ना, कलम लिखता है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। मोहन लिखता है ना, किससे लिखता है? कलम से लिखता है। तो कलम का संबंध लिखना से कौन बता रहा है? कारक बता रहा है। ठीक है, ये जो से हो गया, ये क्या हो गया? कारक हो गया। अब समझ में आया? अगर यहां से गायब कर दूं तो मोहन कलम लिखता है ऐसा हो जाएगा, फिर मोहन चिट्ठी लिखता है, दोनों में कोई अंतर रह जाएगा? कलम से लिखता है ना, तो यहां से का इंपॉर्टेंस समझ में आया। यहां से नहीं हो तो मीनिंग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इसीलिए। ठीक है भाई, तो से क्या कर रहा है? संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है। अब हम लोग समझ गए कारक हो गया। अब है कारक के भेद कितने होते हैं? कितने भेद होते हैं भाई? आठ भेद होते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे कारक के कितने भेद हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए भाई बारी बारी से। तो पहला भेद है हमारा कर्ता। एक बार ब्रीफ में देखते हैं, फिर इसको हम लोग डिटेल्स में भी देखेंगे। तो कर्ता कारक जो है, उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। देखो, तो ऐसे जो है ना कारक, उसको उसकी विभक्ति चिन्ह से हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है भाई, समझ गए बात को? तो कर्ता जो है, उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है ना। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। करण का विभक्ति चिन्ह क्या है? ध्यान देना है कि करण का विभक्ति चिन्ह से है और आपादान का भी विभक्ति चिन्ह से है। अब दोनों में अंतर होता है, जब हम लोग करण और आपादान को अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, आपादान में क्या होता है? अलगाव का बोध होता है। ठीक है, इसको जब आगे हम लोग डिटेल करेंगे तो समझ में आएगा। अब ध्यान देना एक चीज और, कि यहाँ देखो संबंध जो है उसमें का के की रा रे री ऐसा है ना। अब देना यहाँ ध्यान, यहाँ भी के है और यहाँ भी के है,
है ना। तो इन दोनों में भी थोड़ा हम लोग अंतर समझेंगे। फिर अधिकरण है, इसका क्या होता है, मे और पर। और संबोधन, जो भी चीज हम लोग संबोधन में इस्तेमाल करते हैं, हे अरे वो, ये सब संबोधन में विभक्ति इस्तेमाल होता है। तो देखिए भाई, अब विभक्ति चिन्ह देख करके आसानी से हम लोग कारक का भेद पता कर सकते हैं ना। लेकिन इसके साथ ही साथ थोड़ा सा इसका उपयोग सीखना जरूरी है, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिर कारक याद कर लिए, उसके विभक्ति चिन्ह याद कर लिए तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसका डिटेल्स आगे। तो पहला है हमारा कर्ता कारक। पहला क्या हमारा, कर्ता कारक है ना। तो कर्ता कारक मतलब जो डूअर है, जो करने वाला है ना, जो एक्शन ले रहा है। तो वाक्य में जो कर्ता होता है वो कौन होता है, क्रिया को करने वाला होता है। समझ गए बात को। तो जैसे लड़का खेल रहा है या वह चिट्ठी लिख रहा है, राम कहीं जा रहा है, तो यहाँ पर ये सारा चीज, राम वह, ये सब क्या है, कर्ता है। सूरज चमक रहा है तो सूरज क्या है, कर्ता है। पत्थर लुढ़क रहा है तो पत्थर क्या है, कर्ता है। लड़का खेल रहा है तो लड़का क्या है, कर्ता है। नहीं, तो अब है कर्ता कारक क्या होगा, कि यहाँ ने कहीं है क्या, लड़का ने, सूरज ने, ऐसा है क्या, पत्थर ने, ऐसा है क्या। तो ऐसा नहीं समझना है, अगर ने नहीं है तो वहां कर्ता नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। अगर तुम सिर्फ कारक और उसके विभक्ति चिन्ह याद रख लोगे, सोचोगे काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ प्रैक्टिस भी जरूरी है। इन जगहों पर ये क्या है, लड़का, सूरज, पत्थर, ये सब क्या हो गया हमारा, कर्ता हो गया। दिक्कत है समझने में कुछ। बहुत अच्छा। देखिए भाई, इस तरह के प्रश्न में हमेशा तुम अगर क्वेश्चन करोगे कौन, है ना, क्या क्वेश्चन करना है, कौन, अगर पता करना है कि कर्ता कौन है, तो सेंटेंस जो भी रहेगा उसमें हम लोग को क्या प्रश्न करना चाहिए, कौन। जैसे ही प्रश्न करोगे कौन, आंसर जो आएगा ना, जो उत्तर होगा, वो क्या होगा, हमेशा कर्ता ही होगा, है ना। किस प्रश्न का, इसका कौन। जैसे लड़के खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है, तो लड़के खेल रहे हैं। सूरज चमक रहा है, कौन चमक रहा है, तो सूरज चमक रहा है। पत्थर लुढ़क रहा है, कौन लुढ़क रहा है, तो पत्थर लुढ़क रहा है। इस कौन का जो उत्तर होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, कर्ता। ये ट्रिक है, इसको याद रखना है। किसी भी सेंटेंस में कर्ता के बारे में पता करना है, तो जो भी सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस से हम लोग क्या पूछते हैं, कौन, है ना। इसका जो आंसर होता है, ये हर जगह, इंग्लिश में भी ऐसा ही है, हिंदी में भी ऐसा ही है ना। वहां अगर क्वेश्चन पूछेंगे कौन, तो जो आंसर आएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो इसमें कर्ता पहचानने में कोई दिक्कत होगी क्या, जो भी सेंटेंस मिला उससे क्या पूछना है, कौन, जो उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है हमारा भाई कर्म कारक। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या था, को। आप ध्यान देना है कि जरूरी नहीं विभक्ति चिन्ह रहेगा तभी हम लोग कर्म कारक समझेंगे। अब जैसे यहाँ पर है, मनोज समाचार पढ़ता है, क्या है, मनोज समाचार पढ़ता है ना, ऐसा। ठीक है भाई, तो मनोज जी समाचार जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को कोई विभक्ति चिन्ह नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अगर विभक्ति चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब यहाँ कर्म नहीं है, है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। क्या ट्रिक, सेंटेंस से पूछते हैं क्या, सेंटेंस से क्या क्वेश्चन पूछते हैं क्या। जैसे मनोज पढ़ता है, तो हम लोग पूछेंगे मनोज जी क्या पढ़ते हैं, तो बोलेगा समाचार पढ़ रहा भाई, है ना, समझ रहे हो। मनीष ने मनोज को पुस्तक दी, पूछेंगे क्या दी, है ना। ठीक है, तो कहीं कहीं यहाँ पे विभक्ति चिन्ह दिख रहा है ना। क्रिकेट खेल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या खेल रहा है। ठीक है, तो क्रिकेट को खेल रहा है, समाचार को पढ़ रहा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। क्या लिख सकते हैं, समाचार को पढ़ रहा है। तो यहाँ को जो है ये हिडन है, क्रिकेट को खेल रहा है ना, क्रिकेट को खेल रहा है, को क्या है, हिडन है। समझ बात आई। तो इस जगह पर हम लोग अगर विभक्ति चिन्ह दिया रहे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, विभक्ति चिन्ह से पकड़ लेंगे। अगर विभक्ति चिन्ह नहीं दिया रहे, इसका ट्रिक याद रखना है, कर्म कारक पता करने के लिए हमेशा प्रश्न पूछा जाता है क्या, सेंटेंस से पूछेंगे क्या, जो उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो अगला है भाई हमारा करण कारक।
ना। देखिए भाई, लिखने से ज्यादा ना ध्यान सुनने पर दो, है ना। लिखा हुआ तुम कितनी दफा पढ़ोगे ये सबको पता है, तुम्हें भी पता है ना। क्या ज्यादातर समय हम लोग जिंदगी में क्या चीज में बिताते हैं? गप देने में, है ना, और वो किसी काम नहीं आता है। चले भाई, करण का मतलब क्या होता है? साधन। देखो दो चीज होता है हिंदी में, एक होता है साधन और एक होता है साध्य, है ना। एक होता है साधन और एक होता है साध्य। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। साध्य का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। और इसको प्राप्त करने के लिए जो मेथड लगाते हैं वो होता है साधन। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ लो, मान लो किसी व्यक्ति ए को ये कोई जगह है, बी यहाँ जाना है ए से, तो यहाँ जाने का ये लक्ष्य है इसका, क्या बी, है ना, यहाँ जाना है इसको, गोल है ये। जाने का मींस बहुत सारा हो सकता है, बस से भी जा सकता है, बाइक से जा सकता है, कार से जा सकता है, पैदल जा सकता है, ये सब कहलाएगा इसका साधन। तो करण कारक क्या है? साधन है एक्चुअली, ठीक है। मतलब क्या हुआ? जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। वह बस से जा रहा है, इसको देखो समझ लोगे ना तो तुम्हें कोई याद रखने में परेशानी नहीं होगी, है ना। करण का सीधा मतलब क्या हो गया? साधन। साधन तुम्हें समझाया क्या होता है, अब बताओ, तुम्हें पता चल जाए कि कैसे जा रहा, बस से जा रहा है, कार से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, तो वो क्या है? करण कारक है ना। इसीलिए तुम देखो कि बस से जा रहा है, तो बस से, इसीलिए करण के साथ क्या लगता है? विभक्ति चिन्ह। अरे करण में विभक्ति चिन्ह क्या है? से है ना, इसीलिए तो याद रखना है इसको, है ना। मैं साइकिल से बाजार गया, है ना। आजकल ईमेल के द्वारा, यहाँ देखना के द्वारा भी करण में लिखा हुआ था, या फिर ईमेल से भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ के द्वारा को यहाँ पर से रिप्लेस कर सकता है। उसने किताब नौकर के द्वारा या फिर नौकर से भी लिख सकते हैं। तो ऐसा जगह जहाँ के द्वारा लिखा हुआ हो, इसको से रिप्लेस करके देखना क्या रिप्लेस हो सकता है। अगर रिप्लेस हो सकता है तो वहां करण कारक है, ठीक है। और इसमें हम लोग हमेशा क्रिया के साथ प्रश्न पूछते हैं, कैसे या किससे, है ना। वह जा रहा है भाई, कैसे जा रहा है या किससे जा रहा है ना। तो साइकिल से जा रहा है, समझ रहे हो। वह ईमेल भेज रहा है, कैसे भेज रहा है ना। तो नौ किसके द्वारा भिजवाया, ऐसा करके जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं किससे कैसे, तो इसका जो उत्तर आ रहा है वो क्या है हमारा, तो करण कारक, ठीक है भाई। विभक्ति चिन्ह भी इसका याद रखेंगे। नॉर्मली तुमको करण कारक पता करने में कहीं भी परेशानी नहीं होगी, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपादान कारक जो है वो परेशान करेगा तुमको थोड़ा सा। तो थोड़ा ध्यान रखना है, आपादान कारक जब तुम समझोगे तब तुमको इसमें भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दोनों में से लगता है। जैसे देखो, करण कारक और आपादान कारक में ना अलगाव और जुड़ाव का बोध होता है। जैसे मैं साइकिल से बाजार गया, साइकिल हमेशा तुम्हारे साथ है ना, लेकिन अगर लिखा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ एक क्या चीज का बोध हो रहा है? अलगाव का बोध हो रहा है ना, पत्ता पेड़ से डिटैच हो रहा है, समझ रहे हो बात को। तो जहां भी अलगाव का बोध होगा ना वहां आपादान कारक होगा, ठीक है भाई, समझ गए सब लोग, आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई, देखिए संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या था? के लिए। और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या था? यस, को था और के लिए था ना। अब ध्यान देना यहाँ पर, तो वाक्य का कर्ता, कर्ता सब लोग समझ रहे हैं, जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है, ध्यान देना। कर्ता समझ में आ रहा है सबको? जैसे इसमें मोहन क्या है? कर्ता है, ठीक, किसी के लिए कुछ कर रहा है, ठीक है। जिसके लिए कुछ काम कर रहा है या फिर जिसे कुछ देता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं, समझ बात आ गई। और इसमें हम लोग क्रिया के साथ कौन सा प्रश्न पूछते हैं, किसके लिए या फिर किसको। मोहन ने अपनी पुस्तक दी किसको, है ना। वह इलाज के लिए दिल्ली जा रहा है, वो किसके लिए दिल्ली जा रहा है? इलाज के लिए दिल्ली जा रहा है। तो इस जगह पर क्या होगा? संप्रदान कारक होगा, समझ बात आ गई, ठीक है भाई। तो अब है, मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दी, यहाँ पर क्या है, क्या कहते हैं, संप्रदान कारक क्या है? ने हो जाएगा, नहीं ये है यहाँ पर संप्रदान कारक, विभक्ति चिन्ह है ना। ये तो विभक्ति चिन्ह हमारा संप्रदान कारक का नहीं है,
ये कौन सा विभक्ति किसके लिए है? कर्ता। हाँ तो मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा ना, क्योंकि इसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ। ये हमेशा ध्यान देना है, इसे एक ही वाक्य में कई सारा विभक्ति चिन्ह हो सकता है, है ना, इसके लिए कंफ्यूज नहीं करना। तो यहाँ पर हमारा चौहान जो है वो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाए, ठीक है। वह इलाज के लिए दिल्ली जा रहा है, तो वह किसके लिए दिल्ली जा रहा है? इलाज के लिए दिल्ली जा रहा है। वह पढ़ने हेतु कॉलेज गया, किस हेतु कॉलेज गया? हाँ, हेतु का मतलब भी वही होता है, के लिए, ठीक है भाई। अगर हेतु लगा हुआ तुम सोचोगे अरे संप्रदान कारक में, तो विभक्ति चिन्ह सिर्फ यही था, ये तो था नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी जरूरी है, प्रैक्टिस करने से पता चलेगा कहाँ कौन सा विभक्ति चिन्ह उपयोग हो रहा है और कहाँ विभक्ति चिन्ह हिडन है, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो देखिए अपादान कारक है। अपादान कारक में दो चीज ध्यान देना है। पहला, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, ये ध्यान देना, अलगाव का बोध या फिर तुलना का बोध भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे जगह तुम्हें मिसिंग मिलेगा, है ना। तो उस जगह पे हम लोग अपादान कारक बोलते हैं। जैसे नल से पानी टपक रहा है, तो नल से पानी अलग हो रहा है, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, नहीं। और ये फेमस लाइन है ये, और ये संस्कृत में भी जब अपादान कारक पढ़ते हैं ना, तो 90% केस में ये फिक्स एग्जाम्पल है। क्या? वृक्षात पत्राणि पतन्ति, क्या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, है ना। गंगा हिमालयात निस्सरति, गंगा हिमालय से निकलती है, फेमस एग्जाम्पल है। तो पत्ता अलग हो गया, डिटैच हो गया ना, तो डिटैचमेंट जहां से दिखता हो, अलगाव का बोध हो, उस जगह पर कौन सा कारक होगा? आपादान कारक होगा, ध्यान देना। और से करण कारक में भी लगता है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ जगह से का और भी प्रयोग होता है, उसको समझना है। जैसे मोहन राम से बेहतर है, या मोहन राम से बेहतर लिखता, ऐसा लिखता हूं मान लो, है ना, ऐसा लिखता हूं। तो यहां से जो है क्या करण कारक है? नहीं, अपादान कारक है, ध्यान देना। ये तुलना, ये तुलना कर रहा हूं ना मोहन का राम से, है ना। तो तुलना वाला सेंटेंस भी जहां दिखे, तो वहां अगर से दिखे, समझ जाना कौन सा कारक है? अपादान कारक। और अलगाव का जहां बोध हो, वहां भी ध्यान देना और लिख देना कौन सा? अपादान कारक। ध्यान रहेगा सब लोगों को, बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ा जाए, तो देखिए भाई, संबंध कारक हम लोग देख रहे हैं। संबंध कारक में नाम से ही स्पष्ट है, संबंध स्थापित करने का काम करता है, ठीक है भाई। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा, यानी इस तरह का संबंध कारक जब भी रहेगा, तो उस वाक्य में दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम का होना जरूरी है, क्योंकि संबंध कारक का काम यही है, उनके बीच में संबंध स्थापित करना। तो उनके बीच में संबंध होगा तो शब्द का होना जरूरी है, ठीक है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं, जैसे सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है, एक सेंटेंस है मान लो ऐसे कर। तो अब ये कॉलेज जो है ये किसका है? तो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, किसका या किसके, है ना। क्वेश्चन क्या पूछते हैं इसमें? किसका या किसके, है ना। तो इसका जो उत्तर मिलेगा ना, वो क्या है? संबंध कारक है। जैसे कॉलेज है, किसका कॉलेज है भाई? तो सिद्धार्थ का कॉलेज है, ठीक है। पिताजी है यहाँ, पिताजी अध्यापक है, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो मीनिंगलेस हो गया। किसके पिताजी? तो श्रेया के पिताजी, है ना। यहाँ ये के जो है ये संबंध स्थापित कर रहा है, किसमें और किसमें? श्रेया और पिताजी में। यहाँ का जो है ये संबंध स्थापित कर रहा है, किसमें और किसमें? सिद्धार्थ और कॉलेज में। यहाँ बहन निकिता है, कोई मीनिंग नहीं है इसका। ये किसकी बहन है भाई? रोहन की बहन है। तो यहाँ रोहन और बहन में संबंध स्थापित कर रहा है कौन? की, ठीक है। यहाँ श्रेया और पिताजी में संबंध स्थापित कर रहा है कौन? के। तो का, के और की, ये क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। ये समझ में आया? तो जहां भी सेंटेंस में इस तरह का रहे, तो हम लोग क्या समझेंगे वहां पर? वो क्या है? संबंध कारक। देखिए भाई, अधिकरण कारक जो है, अधिकरण कारक जो है वो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का स्थान और समय दो चीज का बोध कराता है। क्या क्या चीज का? स्थान का और समय का, किस जगह हो रहा है और किस समय हो रहा है, इसकी जानकारी जिससे मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मेज पर किताब रखी है, तो ये किताब जो है इसका स्थान बता रहा है कौन, ठीक है। ऐसा अगर ये हटा दो इसको और लिखो मेज किताब रखी है ना, तो मीनिंग हो रहा है कुछ क्या? लेकिन अगर हम लोग लिख रहे मेज पर किताब रखी है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है किताब का स्थान क्या है,
कमरे में अंधेरा है, ठीक है। अगर में ना रहे तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा मार्च में होगी, समझ बात आ रही है, समय बता रहा है। तो कोई भी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान और समय का बोध हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिकरण कारक बोलेंगे। और अधिकरण कारक पता करने के लिए हम लोग प्रश्न पूछते हैं कहाँ और कब, कहाँ से स्थान का बोध हो जाता है, कब से समय का बोध हो जाता है, ठीक है भाई। कहाँ से क्या चीज का बोध हो जाएगा, स्थान का बोध हो जाएगा, और कहाँ कब से समय का बोध हो जाएगा, समझ बात आ गई। तो इस तरह से हम लोग अधिकरण कारक भी पता कर सकते हैं। तो चलिए भाई देखें हम लोग संबोधन कारक। संबोधन कारक नाम से ही स्पष्ट है, जो संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो संबोधन किसको करेंगे हम लोग, संज्ञा या सर्वनाम को ही करेंगे ना। तो उसको जिस रूप में बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं अरे भाई मेरी बात तो सुनो, ठीक है, या हम लोग बात कर रहे हैं किससे, हाँ तो हम लोग बोलते हैं हे ईश्वर है ना मेरा मार्गदर्शन करो, है ना। या किसी को बुलाना है तो हम लोग बोलते हैं ओ लड़के कम हियर इधर आ। तो इस तरह का जो हम लोग उपयोग करते हैं किसी को भी बुलाने के लिए, संबोधन चिन्ह जो प्रयोग करते हैं एड्रेस करने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संबोधन कारक बोलते हैं। समझ सब लोगों को आ गया। तो भाई कारक में जो है हम लोगों के लिए इतना ही है, ठीक है, कारक में हाँ इतना ही, ठीक है, किसी कोई दिक्कत, तो कारक में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाँ विशेष पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। और वो विशेष क्या है, वो विशेष है विशेषण, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना।